हेलो दोस्तों, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में अति शिक्षकों की भर्ती चल रही है और हर जगह की हम यहाँ पे न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में काउंसलिंग की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, और आज हम लेके आए देहरादून में। तो देहरादून में आपको बता दें कि देहरादून में 103 अति शिक्षकों की नियुक्ति जो है, इसके आदेश जारी हो चुके हैं। तो आपको बताएंगे यहाँ पर, तो जल्दी यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवा दें। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज की न्यूज़पेपर में यहाँ पर आया हुआ है, ये आज का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है और इसमें दिया गया कि देहरादून में 103 अति शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पूछते रहते हैं, पूछ भी रहते हैं कि देहरादून में कब होगी यहाँ पे नियुक्ति, तो उनके आदेश आ चुके हैं। तो ये आज के न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया कि शासन ने देहरादून जिले में 103 अति शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा है। इनमें 80 प्रवक्ता और 23 सहायक अध्यापक शामिल हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 80 जो है वो लेक्चरर की पोस्ट हैं और 23 जो हैं वो LT के पोस्ट शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले साल जनवरी माह में कुछ अध्यापकों के कोर्ट चले जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में गेस्ट टीचरों की भर्ती प्रक्रिया रोक लगा दी थी, जो अब हटाई जा चुकी है। शिक्षक लंबे समय से कोर्ट की अनुमति का इंतजार कर बैठे थे। मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा रानी पेनुली ने बताया कि जिन स्कूलों में अध्यापकों के पद लंबे समय से रिक्त हैं, वहां स्टाफ बढ़ने से पढ़ाई सुचारू हो सकेगी। तो इस प्रकार से यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि इसके साथ साथ आप यहाँ पर लेक्चर और LT की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी निकलने वाली है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो अभ्यर्थी थे वो यहाँ पर कुछ अति शिक्षक के रूप में और प्रवक्ता के रूप में ज्वाइन भी कर लेंगे, तो ऐसे में उनकी तैयारी ढंग से नहीं हो पाएगी। तो ये आप सोच समझ के यहाँ पर ज्वाइन करें। अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो अपना देख लें दोस्तों, क्योंकि ये कन्फर्म है कि लेक्चरर के 506 और LT के पद यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसका ध्यान रख कर ही आप इन जगहों पर ज्वाइन कर लें।